जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोमा की सर्जरी मेनली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनके अंदर या तो ग्लूकोमा की जो ड्रॉप्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, या फिर ग्लूकोमा पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है और ड्रॉप्स का भी ड्रॉप्स के साथ साथ हमें एडिशनल आपका प्रेशर को भी कम करना है। या फिर थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप ड्रॉप्स डाल नहीं पाते या आपको ड्रॉप्स सूट नहीं करती या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा कर रही हैं, तो इन सभी केसेस में जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोमा की जो भी हम ट्रीटमेंट का हमारा मेन एम यही रहता है कि हम आपकी जो जो भी हमारी ऑप्टिक नर्व या आँखों की नस जो डैमेज हो चुकी है हम उसको दोबारा वापस सही नहीं कर सकते, खाली फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं उस डैमेज को, हम प्रोग्रेशन को यानी कि हॉल्ट या स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ग्लूकोमा सर्जरी कराने का मतलब ये है कि हम खाली आपके आईज़ को ब्लाइंडनेस से बचा रहे हैं या आपकी जो विजन है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो विजन है बैक टू बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, या कई बार हमें ग्लूकोमा सर्जरी के बाद भी कुछ ड्रॉप्स का एडिशनल सहारा लेना पड़ता है और उसके बावजूद भी आपके सर्जरी के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग अपना रेगुलर चेकअप या टेस्ट जैसे भी आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चलना रहता है ताकि हम आपकी विजन को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रखें। और कई बार कुछ सालों के बाद जो हम सर्जरी भी करते हैं उसका भी इफ़ेक्ट धीरे धीरे बॉडी मतलब उसको कम कर देती है, या उस नए रास्ते को जो हमने बनाया होता है आपके प्रेशर को कम करने के लिए वो धीरे धीरे उसको बंद करके उसकी इफ़ेक्टिविटी को भी स्लो कम करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर कई बार हमें रिपीट सर्जरीज भी करनी पड़ती है या कुछ और मेथड से भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस टाइप से इसका जो ट्रीटमेंट होता है ग्लूकोमा का वो पेशेंट टू पेशेंट एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है और आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से प्रॉपरली और चलना रहता है।